क्रिस्पी चिकन लेग। तो उसको तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन लेग लिए मैंने, ये देखिए इस तरह से तकरीबन 7-8 होंगे। तो उसको तैयार करने के लिए नमक लिया मैंने 1 टीस्पून है, सुरख मिर्च 1 टीस्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून है, सिरका लिया 2 चम्मच, सोया सॉस लिया मैंने 3 चम्मच बड़े, और चिली सॉस भी लिया 3 चम्मच। तो इसको रखते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको डालते हैं एक बर्तन में, जाएगा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और सुरख मिर्च कुल 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून हो तो, 3 टीस्पून हो तो 1 चम्मच बढ़ता है खाने वाला, तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सारी चीज़ों का। तो ये अब इसको मिक्स करेंगे, इसे मिक्स कर लेना है। चलो जी, चिकन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको रखते हैं पकने के लिए। चलो जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चिकन डालते हैं इसमें, अच्छी तरह से सारा डाल देना इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के तो इसके अंदर डाल दूंगी मैं। आधा कप इसके अंदर पानी डाला मैंने, और इसके अंदर जाएगा ये पानी। तो इसको मैं हल्की आंच पे बंद करके तो रख दूंगी। डाल दिया इसमें पानी, अब इसको मैं हल्की आंच पर रख दूंगी। चलो जी, पानी मैंने डाल दिया है, पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको ढक रही हूँ 10 मिनट के बाद, इसको देखते हैं हल्की आंच पे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन चिकन मेरा पक चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मैंने इसमें एक बार इनको पलटा था, दोनों तरफ से ये हो चुके हैं। इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए सारी इसके ऊपर वो जो मैंने मसाले डाले थे और चिली सॉस, सोया सॉस जो चीज़ें डाली थी सारी इसके ऊपर आ गई हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इन चीज़ों के साथ। देखिए चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखें सारे मसाला जात इसके साथ चिपक गए हैं, तो यही हमें चाहिए था इस तरह का। तो ये निकालूंगी, तो इसको फ्राई करते हैं। देखिए चिकन मैंने निकाल लिया हुआ है, अब इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए एग, 2 एग लिए मैंने, बीट कर लिया इनको, और ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास, फ्रेश ब्रेड लिए मैंने और इसके इस तरह से क्रम्ब बना लिए। तो अब इसको फ्राई करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से लगा देंगे इसको, इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से, इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। थोड़ा सा अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, तरह से ये देखें तैयार हो गया। तो मैं इसको सारे इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, तो फिर डालते हैं। ये देखें, ये मैंने लेग तैयार किए, इनको डालते हैं पहले, गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल आंच पे मैंने फ्राई करने के लिए रखे हुए लेग, तो ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी साइड चेंज करते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब के साथ जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी इस पर रंग आ जाता है, कलर आ जाता है।
ये देखिए दूसरी तरफ से भी कर देते हैं, करीबन एक मिनट ही लगा है। ये चिकन लेग तैयार है, तो मैं इनको निकालती हूँ। बिल्कुल तैयार होती है अंदर से, बस इनको हल्का सा फ्राई करना होता है। इस तरह से दूसरे भी डालते हैं। एक दफा ऑयल घी गर्म हो जाए, ऑयल जो आप डाल रहे हैं, तो फिर इसको हल्की आंच कर देनी है। तो इस तरह से जल्दी से फ्राई। चलिए जी, दूसरा लेग भी तैयार है, इनको निकालते हैं।